ये है N160 और इसकी आज पहली सर्विसिंग वीडियो होने वाली है। बाइक का कंडीशन अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ बाइक की कंडीशन है। अब जो मेन टॉपिक है उसमें आ जाते हैं, बाइक को आगे स्टार्ट कर दें। तो मेरी बाइक चली है अभी 577 किलोमीटर, साइड में सर्विस रिमाइंडर भी आ चुका है। अब ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि N160 का फर्स्ट सर्विस में कितना अमाउंट लगता है, नहीं लगता है, चेन का क्या काम होगा, नट बोल्ट्स अगर ढीले ढाले होंगे तो वो क्या होगा, तो इसके ऊपर ही ये वीडियो बनने वाली है। वैसे है, हम लोग का शहर में दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आने वाला है और इधर सब पंडाल भी बन रहे हैं, आप जैसे कि देख सक रहे हो। आप बताना कि आपके शहर में क्या दुर्गा पूजा का ऐसा पंडाल बनता है कि नहीं बनता है। तो चलो वीडियो को आगे ले चलते हैं, डायरेक्ट मुलाकात होगी अब सर्विस सेंटर में। तो गाइस पहुंच चुके हैं समीरदा के सर्विस सेंटर, बजाज सर्विस सेंटर में, और मेरी बाइक खड़ी है उधर। अभी सर्विस कुछ देर बाद स्टार्ट होगा। वो वॉशिंग एरिया है, उधर बाइक वॉश होते हैं। वॉश होने के बाद फिर इधर से जाते हैं सर्विस एरिया में, जहां सब रिपेयर मेंटेन या कुछ भी अगर बाइक प्रॉब्लम्स हो वो इधर चेक होता है। अब आपको मैं काउंटर दिखाता हूँ। तो ये है काउंटर, इधर ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है, ऑफलाइन भी होता है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ये कस्टमर लॉज है, सबसे पहले इंजन गार्ड खोला गया, जिसे हम लोग इंजन काउल भी कहते हैं। उसके बाद जो पुराना इंजन ऑयल है उसको निकाला गया। फिर बाइक के ब्रेक्स चेक किए गए, पीछे में भी सामने में भी। स्पार्क प्लग को साफ किया गया, फिर ऑयल फिल्टर को चेंज किया गया, बाइक के नट बोल्ट्स जो ढीले पड़ गए थे वो भी ठीक किया गया। इसके बाद जो इंजन ऑयल जो निकाला गया था उसको फिर से रिफिल किया गया, और कंपनी जो कहती है 10W40 वही इंजन ऑयल फिर से डाला गया। बाइक का बैटरी चेक हुआ, उसके बाद बाइक का जो मेंटेनेंस एक डिवाइस होता है जो लगाकर चेक किया जाता है कि बाइक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो चेक किया गया। लास्ट में मैकेनिक बाइक लेके टेस्ट राइड पे गया और देखा कि बाइक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, अगर प्रॉब्लम होगा तो वो फिर से सर्विस करेगा। तो इसी के संग ये सर्विस ख़त्म होती है। सो गाइस, सर्विसिंग हो चुकी है और अब आप कंडीशन देखो गाड़ी की, ये देखो कितना चमक रहा है। अच्छा, चेन अगर दिखाऊं तो चेन भी लूप किया हुआ है, और इसके बाद अगर फ्रंट का दिखाऊं तो इधर थोड़ा सा कीचड़ लगेगा क्योंकि अभी गाड़ी बारिश भी हो रही है हम लोग के शहर में। तो अब थोड़ा इंजन सुनाता हूँ, मतलब इंजन का साउंड कैसा होगा। तो ये इंजन का साउंड है ऑयल चेंज होने के बाद। तो अभी जो सुन रहे हैं आप वो बाइक का इंजन का साउंड है,
ये कैसा आवाज़ कर रहा है और सर्विस के बाद ये कैसा आवाज़ करेगा ये भी पता लग जाएगा। आप लोग फ़र्क अगर पता चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये गाड़ी का लुक, ये डीआरएल्स बहुत अच्छा लगते हैं वैसे। चलो इसे अब बंद कर देते हैं। आपको बिल दिखा रहा हूँ कि क्या खर्चा हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि फ़र्स्ट सर्विसिंग में गाड़ी का कितना लगता है या नहीं लगता है। तो ये है बिल, ऑयल फिल्टर बजाज 1040, जो इंजन ऑयल है वो भी चेंज हुआ है और इसका टोटल हुआ है 836। इसके बाद और एक चीज़ मैं करवाया था, चेन ल्यूब, चेन ल्यूब का टोटल मुझे पड़ा है 176। तो टोटल इधर पड़ जा रहा है 1013। बजाज 10 साल बाद अपना डीएनए में कुछ चेंज किया है, तो ये बाइक पूरा मक्खन है। आगे से ही स्मूथ था, अभी भी स्मूथ है, मुझे कोई अभी तक शिकायत नहीं है और आगे भी वीडियो मैं लाते रहूँगा ये बाइक के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।